भले ही तू है पर सुहाग रात तो हम ही मनाएंगे। स्वरा को पसंद नहीं आता ध्वनि का मजाक और यहाँ पर ध्वनि बोलती कि भाई मैं तो मजाक कर रही थी, तुम्हारे कपड़े पहन के आ गई थी यहाँ पर, ऐसा थोड़ा ना था कि मुझे भाई अपने जीजा जी के साथ सुहागरात मनानी थी। और ये सारी चीजें सुनके ना स्वरा को गुस्सा आता है और स्वरा बोलती है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी मेरे सुहाग पर नजर डाले। और यहाँ पर जो ध्वनि है वो बार बार उसको समझाने की यही कोशिश कर रही है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सुहाग पे हाथ डालने की, दूर हो जाओ हमारे सुहाग से, कि ऐसा कुछ भी नहीं है स्वरा और तुम मुझे ऐसे घर से बाहर क्यों निकाल रही हो। तो यहाँ पर बोलती है कि गेट आउट, यहाँ से बाहर निकल जाओ और मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। यहाँ पर ना स्वरा को थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है कि भाई इसके दिमाग में तो कुछ चल रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सुहाग पे हाथ डालने की, दूर हो जाओ हमारे सुहाग से ध्वनि के। और यहाँ पर उसने जानबूझ के सारी चीजें की थी, हमने देखा था ना पहले तो भाई यहाँ गृह प्रवेश होता है, गृह प्रवेश में कांच वांच लग जाता है और स्वरा के और जो वेदांत है उसको गोदी में उठा के गृह प्रवेश पूरा कर देता है। वहीं पर ही भाई जो कोयल और ध्वनि होते हैं ना उनको गुस्सा आ जाता है और वो चिढ़ जाते हैं, उनको तो ये लग रहा था ना कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा और कुछ ना कुछ बड़ा हंगामा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बल्कि जो रुद्र है ना वो गुस्सा भी करता है और पता लगाने की कोशिश भी कर रहा है कि भाई कौन है इन सबके पीछे, पहले भी भाई जूस वगैरह पिला दिया था जिसमें जहर था और यहाँ पर अब ये बहू के संग हो रहा है, तो कोई ना कोई तो है भाई इस घर में कि जो ये सारी चीजें कर रहा है। अब यहाँ पर कोयल की तरफ तो उसका नहीं इशारा जाता है, लेकिन अब जो यहाँ के घर के सर्वेंट्स हैं ना और सारे लोग हैं उनकी तरफ उसका इशारा जा रहा है और देखते हैं कि धीरे धीरे करके शायद हो सकता है यहाँ पर सच भी पता लग जाए। अब यहाँ पर भाई ध्वनि और नाटक करती है कि सुहागरात का टाइम है और यहाँ पर ध्वनि पहुंच गई है स्वरा की जगह। अब वेदांत तो भाई ध्वनि को ही अंगूठी वगैरह पहना देता है और उसको लगता है कि यही स्वरा है, जब अचानक से घूंघट खोलता है तो पता लगता है अरे ये तो ध्वनि है स्वरा नहीं। और पर ध्वनि जो है उसके गले वाले मिल जाती है और बोलती है अरे मुझे तो यहीं रहना था ना और ये क्या स्वरा ने मेरी जगह ले ली, और यहाँ पर अगर मेरी शादी हो जाती तो आज मैं तुम्हारे साथ होती। और ये सारी चीजों से ना वो फ्लर्ट कर रही होती है वेदांत को, लेकिन वेदांत उसको धक्का दे देता है और बोलता है कि भाई मेरी शादी ना स्वरा से हो गई और तुम तो नंबर वन धोखेबाज हो, तुमसे मैं बात ही नहीं करना चाहता हूं। और ये सारी चीजें जैसी हो रही होती है इतने में स्वरा भी आ जाती है और स्वरा दूध लेके आई होती है वेदांत के लिए और अचानक से ग्लास गिर जाता है। अब ग्लास गिरता है तो सारे घर वाले इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ पर अब देखते हैं कि ध्वनि क्या बोलती है भाई, किस तरीके से यहाँ पर सबको पागल बनाती है। पकड़ी तो नहीं जाएगी लेकिन हाँ स्वरा ने जरूर उसको धमकी दे दी है कि भाई तू मेरे सुहाग से दूर रहना और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं सुहाग किसी से बांटूंगी। यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीजें तेरे से बचपन में बांटी है लेकिन अब मैं अपना सुहाग नहीं बांटूंगी।